एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी फीमेल्स ये नोटिस करते हैं कि उनके पति देव जो हैं वो अटेम्प्ट तो लेते हैं, कभी कभार वो अंदर डाल ही नहीं पाते, यानी कि उनका वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, या फिर पेनिट्रेट अगर कर भी देते हैं यानी कि अंदर डाल भी देते हैं तो फिर ख़त्म नहीं कर पाते, बीच में ढीला पड़ जाता है, या कुछ भी रीज़न होता है कि वो उनका जो अटेम्प्ट है ना वो कम्प्लीट नहीं हो पाता। अक्सर ये जो शिकायत होती है ना वो 40 के बाद होती है। कि सिर्फ मर्दों के केस में ही ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये औरतों के केस में भी होता है कि उनको लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम होती है, सिकुड़पन बहुत ज़्यादा हो जाता है मर्दों में, सिंकेज की प्रॉब्लम होना या फिर इरेक्शन में लूजनेस आना, ये काफ़ी आम बात हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पति देव जो है वो फिर फिजिकल इंटीमेसी को कंप्लीट नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनका अटेम्प्ट करना भी कम हो जाता है। यानी कि उनका मन तो करता है कि वो कुछ करे पर उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं करती। अक्सर इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है एजिंग, यानी कि एज के साथ साथ बॉडी में जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा रीज़न होता है किसी भी तरीके का ऑपरेशन। तीसरा रीज़न होता है किसी भी तरीके की डिजीज़, यानी कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ये सारी दिक्कतें अगर किसी मर्द को हो जाए कम उम्र में तो किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। चौथा रीज़न हो गया किसी भी तरीके का मेडिकेशन, यानी कि अगर कोई दवाई उनको चल रही है, किसी भी तरीके का डिप्रेशन, अगर वो शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है, तो डिप्रेशन लेने की दवाई जो होती है वो अक्सर मर्दों के इरेक्शन में काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। और अगला जो रीज़न होता है ना वो किसी तरीके की सर्जरी हो सकती है। अब सर्जरी के केस में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके इरेक्शन लेवल पे काफ़ी असर पड़ जाता है, वेंस में असर पड़ता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मैं औरतों की बात करूँ तो लुब्रिकेशन की कमी हो जाना, लो डिज़ायर होना भी उनके जो सेक्सुअल हेल्थ है उनको ख़राब करते हैं। अगर आपका पति अंदर नहीं डाल पाता तो पहले तो हम रीज़न के बारे में बता चुके हैं, इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। अब हम फिर आगे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो आप मिस्टर्स डेली जोश फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा, कोको बीन्स, अनार आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके जल्दी गिरने की समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। और इसमें जिंक मैग्नीशियम है जो आपके मसल स्ट्रेंथ को, आपके स्टेमिना को, आपके पावर को तेजी से इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप एनहांस परमेंस से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो। इसमें एलर्जिनेन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। साथ साथ इसमें लौंग और एलोवेरा है जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाना चाहते हो और अपने थकान को दूर करना चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जितने सारे मैंने रीज़न की बात करी, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, या फिर किसी तरीके की सर्जरी होना, एज होना, चाहे कुछ भी रीज़न हो जाए, असर सबसे पहले मर्द के टेस्टोस्टेरोन लेवल पे पड़ता है। जो भी हो उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो घट जाती है और नतीजा क्या होता है, आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, डिज़ायर में कमी हो जाती है, वगैरह वगैरह, जो भी आप कर नहीं पाते हो। साथ ही साथ आपके आप में थकान की प्रॉब्लम होना, यानी कि आप कर नहीं पा रहे हो, बहुत जल्दी थक जा रहे हो, ये भी शिकायत आपको फिर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में अनार, आम, तरबूज, कोको पाउडर, डेट्स, पम्पकिन शीट उन्हें बहुत मदद करता है। अगर मैं हर्ब्स की बात करूँ तो अश्वगंधा, सफ़ेद मछली, शिलाजीत, गोक्षुरा, जिनसंग भी उन्हें काफ़ी मदद करता है। ये जितने मैंने फूड्स की बात करी, जितने हर्ब्स की बात करी, वो तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो ये रिएक्शन इश्यूज होते हैं इसमें काफ़ी सुधार आता है। जिनके साथ साथ ये जो ढीलेपन की आपको शिकायत हो रही है, या फिर आप में लिबिडो की कमी हो रही है, या फिर स्टेमिना की कमी हो रही है, इसमें आपको काफ़ी सुधार आता है और आप लंबे समय तक सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाते हो। जो भी आप करो, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करनी चाहिए, अपने डाइट पर फोकस ज़रूर करनी चाहिए। सेक्सुअल हेल्थ को सही रखना है तो आपके रेगुलर हेल्थ को आपको बेटर बनाना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और अपने बीवी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसको आप अच्छे से उत्तेजित नहीं करोगे
तो वो उत्तेजित नहीं होगी, तो वो एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगी, आपका मन नहीं करेगा, आपका डिज़ायर जो है वो नहीं बढ़ेगा। फीमेल पार्टनर को लुब्रिकेशन की कमी हुई तो वो आपको करने नहीं देगी, और फ़र्क क्या पड़ेगा फिर आगे जाके, आपको करने की इच्छा ही नहीं होगी, आपका भी रिएक्शन आने में उसका भी तो मदद है ना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।